नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर। मुरादाबाद से है, जहां राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने मुरादाबाद के डिलारी गांव पहुंचकर रामपुर में हुए कार एक्सीडेंट में मृतकों और घायलों के परिजनों से मुलाकात की। बता दें, दो दिन पहले रामपुर में हुए एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, तो वहीं अब एक्सीडेंट में घायल हुए उनके 2 और साथियों की भी मौत हो गई है, जिसके चलते अब मृतकों की संख्या 8 पहुंच गई है। जिसके बाद राज्यसभा सांसद एक्सीडेंट में घायल हुए और मृत हुए लोगों के परिजनों से मिलने सीधे उनके गांव पहुंच गए, जहां उन्होंने लोगों से उनका हाल जाना और अपना देरी से आने का कारण बताते हुए गांवों के लोगों का दर्द मंच से साझा किया। कई बार ऐसा मौका है कि मैं खड़ा होकर, मैं अकेला मुस्लिम होते हैं बावजूद भी खड़ा होकर मैंने कहा, और मैंने सबसे कहा विदाउट एक्सेप्शन, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर साहब से, और उन्होंने इस बात को सराहा और उस चीज के बारे में इम्प्लीमेंट करवाने की भी जिम्मेदारी उन्होंने ली। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पार्टी के लीडरशिप का कि जिन्होंने, जब मैं गुमराह नहीं हुआ, उन्होंने उस पूरे मुझे मौके फराहम किए और मुझे इस बात का एहसास दिया कि गलतफहमियां दोनों तरफ हो सकती, एक ही तरफ नहीं। जब आप की तरफ से गलत फहमी होगी तो आप बराबर गुमराह ही रहेंगे, और अगर इधर से होगी तो इधर भी गुमराह रहेंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां गांधी पार्क क्षेत्र के गांव कमालपुर में निकाह के लिए जा रही बारात पर पुरानी रंजिश में गांव की ही 2 दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट की और हमला करने के साथ पथराव भी किया, जिसमें दूल्हे परिवार के 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। तो वहीं पीड़ित पक्ष ने दूल्हे की रुपयों की माला और महिलाओं से गहने लूटने का भी आरोप लगाया है। पुलिस घटना की जांच करने के साथ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जहीर पिधाने गांव का, उसने अपने कोठी में पंचा चोरी है, लोंडों को सैनिक आया, इन्हें प्लानिंग बनाई है कि इन धी बेटियों पर हमला करना, लूटपाट करना, कुछ ऐसी गुंडे टाइप के सबरे। तो इनमें सलीम के बच्चे हैं 7 लोंडे, समीम के 4-5, मल्ल के 4-5, और गुलशे चक्की वाले उनके बच्चे और उनके यार दोस्त थे साथ में, करीबन 30-35 जने थे, और हमारे संग 100-150 लेडे 6 छापरी थी और सबरी सज बन के चलती हैं ब्याह शादी में। सब पे हमला बोला है एक संग, इनका डंडा लाठी पत्थर सब जैसा हुआ वैसा हमारा, जो हम तो निहत्ते थे, हम तो इस प्लान में नहीं थे कहते हो जाएगा। पुलिस सदका हमने प्रधान जी के पास फ़ोन किया था, उनने कही पुलिस को भेज रहा हूँ, उनने कोई ज़्यादा करीबन फूट फाट गए पूरे घर हमारो गा के बाद में, करीबन 1 घंटा बाद पुलिस पहुँची। लिकरोसी कर रहे थे, हमारे भतीजे की लिकरोसी थी, उसमें आगे 25-30 लड़के आगे हमें लूटमार करने लगे, लूटमार अपना बचा करने के चक्कर में हमारा चोट हमारे बहुत सीरियस हालत है और हम बहुत परेशान हैं। कितने लोग घायल हैं? कम 9 लोग, एक की सीरियस हालत है। खबर बिजनौर से है, जहां बीते दिन दहाड़े हुए डॉक्टर के अपहरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिनों पहले पति पत्नी के विवाद में सालों ने बहनोई का अपहरण कर लिया था और इसी मामले में ये कार्रवाई की गई है। तो वहीं पुलिस ने अपहरण में शामिल कार को बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना सोहरा में सुहेल कादरी नाम के एक व्यक्ति की फजर नमाज के समय उसके सालों ने ही पत्नी के विवाद में अपहरण कर लिया था। इस संबंध में थाना सोहरा पर 364 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था अपहरण का। इसके साथ में आज 2 अभियुक्तों को, जो उसके साले ही हैं, गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है। शेष अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। घटना में प्रयुक्त गाड़ी को भी बरामद। थाना सोहरा में सुहेल कादरी नाम के एक व्यक्ति की फजर नमाज के समय उसके सालों ने ही पत्नी के विवाद में अपहरण कर लिया था। इस संबंध में थाना सोहरा पर 364 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था अपहरण का। इसके साथ में आज 2 अभियुक्तों को, जो उसके साले ही हैं, गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है। शेष अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। घटना में प्रयुक्त गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है।
खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना पचोखरा क्षेत्र के इमिलिया गांव में एक वृद्ध महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर महिला के पिटाई के बाद मौत का आरोप लगाया था। लेकिन अब वृद्ध की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने पर बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक वृद्धा की मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी। वहीं इस मामले पर पुलिस अधिकारियों का भी बयान लिया गया, तो चलिए आपको सुनाते हैं पुलिस ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। शारदा का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें हमने तीन डॉक्टर की टीम द्वारा किया गया, जिसमें डॉक्टर आलोक कुमार, डॉक्टर साहिद और डॉक्टर सोनम थी, उनके द्वारा किया गया और उसकी पूरी वीडियोग्राफिंग की गई, जिसमें जो भी जांच की गई उसमें कोई भी निशान नहीं था, कोई भी चोट नहीं थी। और पोस्टमार्टम करने के बाद कोई ब्रेन में कोई हिमाटोमा भी नहीं था, किसी भी पार्ट में कुछ नहीं था। जो उसमें लंग को डिसेक्शन किया उसमें पस था, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ और जिसकी वजह से हाइपरबोलिक शॉक की वजह से डेथ हो गई, ये इसका कारण था। ये थाना पचोखरा में जो इमलिया गांव है उसमें कल रात को यूपी 112 पे सूचना आई थी कि वहाँ पर एक महिला की मृत्यु हुई है, और उसमें आरोप लगाया गया था कि पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की वजह से उस महिला की मृत्यु हुई है। इमीडिएटली महिला को जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, पोस्टमार्टम जो है डॉक्टर के पैनल द्वारा किया गया, वहाँ उसमें वीडियोग्राफी भी की गई। उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं आई है, और जो कॉज ऑफ डेथ है वो भी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है, लंग्स में पस था महिला के, ये भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। फिर भी जो परिजन है उनकी तहरीर ली गई और उस तहरीर के ऊपर में मुकदमा दर्ज किया गया है, और उसमें अब अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार और अन्य एविडेंसेस के अनुसार की जाएगी। थाना पचोखरा के गाँव इमलिया में एक लगभग 60 वर्षीय महिला जिसका नाम शारदा था, उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, तो उसके परिजनों ने एक FIR की तहरीर दी थी, उसके ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है। सुबह उसका पोस्टमार्टम कराया गया था कॉज ऑफ डेथ एसर्टेन करने के उद्देश्य से, तो उसमें एक डॉक्टर्स की टीम वीडियोग्राफी करते हुए उन्होंने पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। उसमें कॉज ऑफ डेथ नेचुरल है, कोई अननेचुरल ऐसा चोट का निशान या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो अब उनके FIR की जो तहरीर है उसके बेस पर आगे की कानूनी कार्यवाही होगी। ऐसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव, मृतका के मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है कि ऑर्गन फेलियर की वजह से उसकी मौत हुई थी, जबकि परिजनों द्वारा पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा था, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, कल तक जब तक ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक ये मामला संदिग्ध नजर आ रहा था, लेकिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि महिला की जो मृत्यु हुई है वो ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई है, ना कि कोई चोट लगने से या पुलिस की मारपीट से ये मृत्यु हुई है। लेकिन फिर भी इस विषय में पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद ने जांच कराने की बात कही है, और जांच होने के बाद मामला पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब परिजनों का क्या कहना है संजीव? देखिए, परिजनों का कहना यह है कि पुलिस इस मामले में झूठ बोल रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये जो मृत्यु हुई है ये पुलिस की मारपीट से नहीं हुई है, ये वृद्ध महिला थी, 60 प्लस इसकी उम्र थी, तो ऑर्गन फेलियर की वजह से ये मृत्यु हुई है, और ये पैनल द्वारा ये पोस्टमार्टम किया गया है, तो इसमें कोई शंका वाली कोई बात नजर नहीं आ रही है। जो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता संजीव जुड़े थे। गाजियाबाद के साहिबाबाद की DLS में लगातार 3 दिनों से 3 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है, और एक बार फिर से A16 फ्लैट में चोरों ने अपना हाथ साफ किया, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल जिस घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है उस घर में 25 तारीख को बारात आनी थी, लेकिन उससे पहले ही चोर करीब 7 लाख की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। मैं काम पे गया हुआ था, अब घर पे घर वाली थी, अब बच्चों को ये लेने गई भी थी, स्कूल से छुट्टी हुई थी, स्कूल छुट्टी थी, वहाँ पे अपनी मम्मी की तरफ गई भी थी, अब वहाँ पे गई है, 1.5-2 घंटे के अंदर सारा काम हो गया। अब बताओ, मैं पुलिस वाले भी आए, सब आ गए, यहाँ पर आकर देखकर चले गए, 7-8 लाख रुपये का हमारा जेवर चला गया, 1.5 लाख हमारे पास कैश भी रखा था वो भी चला गया। वैसे कहते हैं यूपी में प्रशासन अच्छा हो गया, क्या अच्छा हो गया हमें ये बताओ। ये अभी आज हुई है ये, और 3 बजे से 5 बजे के बीच में चोरी हुई है,
मेरी बहन गई हुई थी अपनी मम्मी के यहाँ पर, मतलब मेरे यहाँ पर गई हुई थी किसी काम से, उसी बीच ये चोरी हुई है आज। कितने की चोरी हुई है, कितना सामान गया? 7 लाख के करीब था, सोच सामान था, जेवर था, मेरी शादी का जेवर था, मेरी बहन की शादी का जेवर था सारा, और 1 से 1.5 लाख के बीच का कैश था। पुलिस आई थी यहाँ पर? पुलिस आई थी, लेकिन उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की और कह के चली गई कि आप कैमरे। हमने आई है शादी के घर को, अब चोरों ने निशाना बनाया है। गाजियाबाद से लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से चोरों ने पूरे घर को खंगाला है और जितना भी जेवरात और कैश घर में मौजूद था उन सभी पे हाथ साफ कर दिया है। इस बार शादी के घर को निशाना बनाया गया है, बड़ी अमाउंट एक चोरी की गई है, लगभग 7 लाख की नकदी और जेवर लेकर चोर फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में इस घर में शादी थी जिसके लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही थी और शादी के घर को चोरों ने निशाना बनाया है। उस घर में 25 तारीख को बारात आनी थी जिसके चलते सभी तैयारियां जोरों पर थी। 7 लाख की नकदी और जेवर घर में मौजूद थे जिसको लेकर चोर रफू चक्कर हो गए हैं। पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन करी, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया गया है। तो गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है जहां पे ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, 3 घटनाएं अभी तक घटित हो चुकी है चोरी की। चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं और अब जिस तरह से शादियों का मौसम चल रहा है, लोग तैयारियों में जुटे रहते हैं, घर में कैश भी मौजूद रहता है और चोरों ने इसी मौके का फायदा उठाया और बड़ी अमाउंट पर हाथ साफ किया है। चोरों ने 7 लाख की नकदी और जेवर पर अपना हाथ साफ किया है, गाजियाबाद से यह खबर सामने आ रही है। तो शादी के घर को चोरों ने निशाना बनाया है, 3 दिन में 3 चोरी की घटनाएं सामने आई है। 25 तारीख को इस घर में बारात आनी थी और जितनी भी बेटियां थी उनकी शादी के लिए जो भी गहने जेवर बनाए गए थे उन सभी को चोर उड़ा ले गए। और इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, लगातार गाजियाबाद में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, क्या पुलिस प्रशासन नाकाम है या फिर लोगों में भी डर का माहौल है? देखिए आपको बता दूं, गाजियाबाद में जिस तरह से तो बेटियों की शादी होती है, खासतौर पर वहाँ इंतजाम किए जाते हैं शुरू से पहले से, तो कहीं ना कहीं एक परिवार है जिसने पूरी शादी का इंतजाम किया था और कहीं ना कहीं गहने समेत कई कपड़े वगैरह खींचे गए थे। तो कुछ चोरों के ऐसे हौसले बुलंद हो रहे हैं गाजियाबाद में कि जिस तरह से लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद तो है लेकिन दिखती नहीं है, कहीं ना कहीं इसका सवाल निशान भी खड़ा होता है पुलिस के ऊपर कि आखिर जिस तरह से शादी का अगर माहौल है वहाँ पर, किसी तरह से कोई चोर आ जाए और चोर आकर चोरी कर जाए तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी, ये वो परिवार ही जान सकता है। जी प्रवीण, जिस तरह से चोरी हुई है उसके बाद पीड़ितों का कहना है कि पुलिस सिर्फ आश्वासन दिया, कोई कार्रवाई नहीं करी है, तो पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? देखिए बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस देखिए पूरे मामले में कार्रवाई तो करेगी ही, लेकिन कुछ पुख्ता सबूत देखेगी पहले, तो अगर वहाँ आसपास सीसीटीवी फुटेज लगा है या फिर कहीं उनको कुछ क्लू मिलता है तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी बहुत ही जरूरी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं तो क्या इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है, क्योंकि चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं और रुकने का नाम नहीं ले रही है, पुलिस क्या एक्शन लेगी? देखिए अमूमन देखा गया है कई ऐसी शादी विवाह में, पहले भी ऐसी चीजें वायरल भी हुई है, जैसे कि शादी के टाइम पर कुछ बच्चे भी होते हैं जिस तरह से चोरी करके हाथ साफ करके निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ वीडियो में देखा गया, लेकिन यहाँ पर जो ये मामला आया है सामने गाजियाबाद का, तो कहीं ना कहीं इसमें किसी बड़े चोर का ही हाथ है, क्योंकि उसको पूरी तरह से पूरे मकान में आकर और वहां से चोरी करके ले जाना, जेवरात समेत बहुत सारी चीजें हैं जो कि साफ करके वहां से चला जाता है, तो कहीं ना कहीं उस परिवार की पीड़ा तो परिवार ही जान सकता है, क्योंकि पुलिस ने साफ तौर पर आश्वासन तो दिया है, लेकिन अब पुलिस पूरे मामले की जाँच करेगी और अगर जो भी आरोपी इसमें आएगा सामने उसको पकड़ा जाएगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण जुड़े थे। खबर अलीगढ़ से है जहां एएमयू के अहमदी स्कूल के 10वीं क्लास के नेत्रहीन छात्र ने स्कूल के ही कर्मचारी पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि स्कूल के बच्चे ने किसी कार्यक्रम
में प्रदर्शन किया था और धूप में प्रदर्शन कर रहे एक छात्र की तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उसे मेडिकल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिसके बाद नेत्रहीन छात्र ने स्कूल के कर्मचारी पर मारने का आरोप लगाया है। तो वहीं मामले में एएमयू के एक्टिंग प्रॉक्टर ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया है। ये डिमांड है, मैं तो ये कहूँगा कि जो भी हो, जो भी स्टाफ हो, कोई भी हो, उनके मतलब उनका जो है उन पर इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात, हमारी जो जेन्युइन जो डिमांड है, कैमरे वगैरह जो हम पर पर्सनल अटैक जो कर रहे हैं, और जो शाकिर साहब जो सुपरवाइजर, इवन उनको नाम लिखना भी नहीं आता, वो सुपरवाइज़र बनाते हैं और वो गाली वगैरह बकते हैं, मतलब अब्यूज़ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो उन पर इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। वो लोग गेट पे इकट्ठा हुए और काफ़ी देर तक वहाँ रहे। हम लोगों ने जब हम प्रोक्टोरियल टीम गई तो तब हम लोगों ने वहाँ जाके इनको कंट्रोल किया और समझाया और इनकी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टर साहब से बात कराई। इसके बाद उनमें एक किसी हद तक फैसला हो गया और जो सारी बातें थी, जो 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 उनकी डिमांड्स ऐसी जो रीज़नेबल थी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर साहब ने भी हमारे सामने अश्योरेंस दिया कि उन पर सहानुभूति सिंपैथी से विचार किया जाएगा। रायबरेली में प्रतिभा खोज के उद्देश्य से फैशन शो का आयोजन किया गया। मिस एंड मिसेज रायबरेली 2022 के नाम से आयोजित इस फैशन शो में करीब 150 लड़कियों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस फैशन शो का ग्रैंड फिनाले 29 को होगा, जिससे पहले इसका ऑडिशन राउंड हुआ। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में आयोजकों ने कहा कि वो इस कार्यक्रम के जरिए रायबरेली में भी प्रतिभाओं को सामने लाने का काम कर रहे हैं, जबकि प्रतिभागियों का कहना है कि वो ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते थे लेकिन पहले उनके पास अवसर नहीं थे। देवरिया जिला मुख्यालय पर स्थित दीनानाथ पांडे राजकीय महिला डिग्री कॉलेज के पूर्व कार्यवाहक प्राचार्य राजेश भारती को पुलिस ने छात्राओं से अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि भारती के खिलाफ छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सही पाए जाने के बाद ये कार्यवाही की गई है। वहीं इस मामले पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने कहा कि राजेश भारती के खिलाफ छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है। आगे पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दो दिन पूर्व एक वीडियो सामने आया जिसमें आरोपी राजेश भारती अपने सरकारी आवास से एक छात्रा को अपनी कार में बैठाते हुए दिखाई दे रहा है। महिला डिग्री कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य के विरुद्ध अंडर ग्रेजुएट लड़कियों ने यह कंप्लेंट किया कि इनके द्वारा उनसे अश्लील हरकत की जाती है और इस बीच में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की इनके आरोपी के आवास से संदिग्ध परिस्थितियों में बाहर निकलकर कार में बैठती हुई दिखाई दे रही है। इस संबंध में वर्तमान कार्यवाहक प्राचार्य की तरफ से प्राप्त तहरीर के क्रम में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर अग्रेतर कार्रवाई कराई। खबर गाजियाबाद के वेब सिटी इलाके से है जहां डबल मर्डर हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दो युवकों की ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते कवि नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने डबल मर्डर हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए, जिसके बाद अब पुलिस मुठभेड़ में डायमंड फ्लाईओवर के पास के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से पुलिस को एक पिस्टल, दो खोखा कारतूस और तीन जिंदा कारतूस मिली है।
खबर मुरादाबाद से है, जहां थाना नागफनी इलाके के रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने एक युवक को कारोबार के नाम पर 28 लाख रुपए उधार दिए थे और वो युवक पैसे लेकर कलियर फरार हो गया, जिसके बाद युवक साथियों के साथ कलियर पहुंचकर आरोपी के साथ मारपीट की और उसे मुरादाबाद ले आए और पुलिस को सौंप दिया। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।